नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। क्लस्टर वन में कल 13 वर्षीय मयंक सिंह की जो हत्या की गई थी उसका कनेक्शन ड्रग्स से रिलेटेड बताया जा रहा था, जिसे आज पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। असल में ये फिरौती का मामला था। 25 लाख नहीं 35 लाख रुपए उन लोगों ने मांगे थे। एक को गैरेज डालना था, दूसरे को सैलून डालना था। और इस संदर्भ में DCP अमित काले ने पूरी हत्या के मामले को सुलझाते हुए पूरी क्या क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं DCP अमित काले की जुबानी। सर, कल 13 साल के एक नाबालिग बच्चे का अपहरण करके हत्या कर दी गई, पुलिस ने क्या किया इस संदर्भ में जानकारी चाहिए थी, बताइए क्या? वारदात 31 तारीख की है। इसमें जो विक्टिम है वो माइनर है, 13 साल का लड़का है, जो अपने घर के एरिया में घूमने के लिए आता था शाम को। वहाँ पे जो आरोपी एक्यूज्ड है अफजल, उसने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई। अफजल और सेकंड एक्यूज्ड है इमरान, दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं थे। अफजल को पैसे की ज़रूरत थी, उसे खुद का सलून डालना था, और इमरान जो है उसे खुद का गैरेज डालना था। दोनों को पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए इन्होंने 4-5 महीने पहले ही प्लान बनाया था कि किसी एक आधे बच्चों को हम किडनैप करेंगे और फिरौती की रकम उससे मांगेंगे और पैसे कमाएंगे। इसको चलते हुए इन्होंने जब विक्टिम को देखा तो अफजल ने पहले उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई। जिस दिन घटना हुई है 31 तारीख को, उस दिन उसे वो साथ में लेके आया। साथ में लेके उसने इमरान को साथ में लिया, मोटरसाइकिल से दोनों वसई के डायरेक्शन में गए। वहाँ पे जो वासाड़ा ब्रिज है वहाँ से उस लड़के को नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा कि लड़का मर गया होगा, बट जब लड़का लंगड़ाते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तब आरोपी नीचे गए, उन्होंने जो साथ में चाकू लाया था उससे उसके पेट में चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी जब रिटर्न आए तो बच्चे के, जो नाबालिग बच्चा है, उसके रिलेटिव्स उसे ढूंढ रहे थे। आरोपियों को भी वो मिले, उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और आरोपी ने उनके रिलेटिव्स को ये कहा कि अगर मुझे कुछ भी खबर मिलती है तो मैं आपको इत्तला करूँगा। बाद में जब सब चीज़ें शांत हो गई, पुलिस को इसकी जानकारी मिली, FIR रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन इसकी गंभीरता समझते हुए डिटेक्शन ब्रांच की जो हमारी टीम है काशीमेरा पुलिस स्टेशन की, वो तुरंत एक्टिव हो गई। उन्होंने कुछ टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इसमें से जो फर्स्ट एक्यूज्ड है अफजल को उसके गैरेज से अरेस्ट किया। उससे मिली जानकारी से इमरान को अरेस्ट किया। इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की गई थी, गाड़ी, सिम कार्ड विक्टिम का था, मोबाइल फ़ोन एक्यूज्ड का था, सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन, पल्सर मोटरसाइकिल और चाकू, इसको हस्तगत किया गया है। आरोपियों को रिमांड में 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो है वो कोर्ट से मिली है। सर, क्या इसमें ड्रग कनेक्शन ना रहे, क्योंकि सोसाइटी के लोग हो या उसके परिजन है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ड्रगिस्ट थे, वो लोग नशा करते थे। ड्रग्स का अभी तक कोई भी इसमें कनेक्शन हमारे सामने अभी तक आया नहीं है। इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ दिख रही है, वो एक्सटॉर्शन। दोनों आरोपियों की पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने पहले ही किडनैपिंग प्लस एक्सटॉर्शन का प्लान बनाया था। ये किडनैपिंग होके जो मर्डर हुआ है, इसमें हमें प्राइम ऑफिसी जो दिखता है मोटिव, वो पूरे तरीके से एक्सटॉर्शन का दिखता है। सर, मर्डर के बाद किडनैपिंग का रैमसम अकाउंट अमाउंट मांगा था या मर्डर के पहले? मर्डर होने के बाद इन्होंने, आरोपियों ने विक्टिम का सिम कार्ड यूज़ किया अपने मोबाइल में, और अपने उनके मामा को और उसकी माँ को फ़ोन किया। 35 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले मुझे बेटी की आवाज़ सुनाओ, बट उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। पहले बोले पैसे दीजिए, उसके बाद आपको बेटा मिल जाएगा। बट ये जो भी फोन किया है, फिरौती की रकम मांगी गई है, ये मर्डर करने के बाद मांगी गई है। सर, यही दो आरोपी हैं और इनके ऊपर पहले कोई मामले दाखिल हैं क्या? पहले कोई मामले दाखिल है कि इसकी तहकियात हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक जो सामने आया वो दो ही एक्यूज्ड इसमें इन्वॉल्व है। सर, ये कैसे संभव है कि पहले हत्या कर दी जाए और उसके बाद फिरौती मांगी जाए? ये तो कॉमन सी बात है कि मारने से पहले कोई फिरौती नहीं मांगेगा, जिंदेपन में फिरौती मांगी जाती है, मारने के बाद कैसे मांगेगी फिरौती? देखिए, ये आपका कहना है, ऐसा नहीं है। आरोपी जो है वो अलग पर्सन है, उसका खुद का थॉट है। हर आरोपी की अपनी अपनी अलग मोडस ऑपरेंडी होती है, हर आरोपी का काम करने का अलग अलग तरीका होता है। इनका तरीका ऐसा है, इन्होंने पहले मारा, इनको लगा कि बच्चा जानता है वो कल किसी को बता देगा, हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा। हम तो इससे पहले बच्चों को उन्होंने मारना, उनको लगा कि पहले मार देना चाहिए, इसलिए उसे मार दिया। उसके बाद उन्होंने फिरौती की रकम मांगी। इनके साथ कोई और लोग इन्वॉल्वमेंट है या यही दो लोग? और अभी तक तो दो ही लोग हमें। सर, ये रविवार के दिन बच्चा किडनैप हुआ था, उसके बाद से कितने घंटों के भीतर पुलिस उस बच्चे तक पहुंची और बॉडी का पता चला? बच्चा किडनैप हुआ है, बच्चे को लेके गए करीब शाम रात को 10-10:30 बजे की बात है। उसके बाद सुबह 7 बजे के करीब इनके रिलेटिव पुलिस स्टेशन आए, ऑफेंस रजिस्टर हुआ करीब 10 बजे के करीब। और उसके बाद जब हमें जानकारी मिली, जब उनके माँ को फिरौती का फ़ोन गया, ये बात है करीब शाम को 4 बजे की,
खून जाने के बाद उनके रिलेटिव्स जो है पुलिस स्टेशन में आए शाम को 6-7 बजे, और उसके बाद पुलिस टीम तुरंत एक्शन में आ गई और 12 बजे के पहले जो है आरोपी को पुलिस से धरता पहुंचा। सर लगता नहीं है कि आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने देरी कर दी? बिल्कुल जान भी बच सकती थी, बिल्कुल देरी नहीं हुई है। इसमें जब खबर मिली है उसके 4 से 5 घंटे के अंदर इन्होंने पुलिस ने अपना काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने किडनैपिंग जो की है वो की है 10-10:30 बजे के करीब, और उसका मर्डर जो किया है वो तुरंत 12-12:30 के करीब किया है। उसके बाद सुबह खबर पुलिस स्टेशन को मिली है मर्डर होने के बाद, इसलिए पुलिस ने जितनी जल्दी हरकत करनी चाहिए तो हरकत की। दोनों एक्यूज को इमीडिएटली पकड़ा है और डेड बॉडी भी रिकवर की है। सर पुलिस भले ही सिरे से खारिज कर रही हो कि ड्रग कनेक्शन नहीं है, लेकिन सोसाइटी के लोग परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग कनेक्शन है, और पुलिस के प्रति काफी आक्रामकता, ड्रग माफिया के प्रति उनकी काफी आक्रामकता भी नजर आ रही है। आंदोलन, धरने, मोर्चे और कानून हाथ में लेने की बात की जा रही है। ऐसा है कि दोनों आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया है, अटक करने के पहले उनको अरेस्ट करने के पहले उनका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर इन्होंने ड्रग का कोई भी कंजम्पशन किया है तो मेडिकल टेस्ट पे क्लियर होता है। ऐसा कोई भी क्लियरेंस मेडिकल टेस्ट में आया हुआ नहीं है, इसलिए बिल्कुल कह नहीं सकते कि उन्होंने ड्रग्स का इसमें कोई एंगल है। इसके अलावा अगर ड्रग्स की जो भी कोई कंप्लेंट नागरिकों की है तो उसके ऊपर पर डे एवरी डे कंजम्पशन के ऊपर और पेडलिंग के ऊपर मेरा रोड में पूरे जोन वन में कार्रवाई चली रही है, और ये मुहिम इसके आगे भी चलती रही है। सर ये लड़का नाबालिग है और आरोपी जो है वो बालिग है, जवान है, इनकी दोस्ती कैसे हुआ? आप जैसे बता रहे कि 4-5 महीने पहले से इनका प्लानिंग चल रहा था, तो वो कैसे संभव है एक नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किस तरह से दोस्ती की, कैसे वो इतने करीब गए उनके, दोस्ती का कनेक्शन क्या रहेगा? ऐसा है कि लड़का जो है अपना उसका पुराने एरिया में जो उसके दोस्त थे वहाँ पे उसका हमेशा जाना आना था, हमेशा उठता था बैठता था, कुछ बुरी आदतें भी उसको हो सकती थी। उसके अलावा जो आरोपी है उनको भी कुछ बुरी आदतें जो है वो उस तरीके की दिखी जाती है। इन्होंने एट रैंडम लड़के को सिलेक्ट किया, लड़का भी काफ़ी घुलने मिलने वाला है, इससे उससे दोस्ती करने वाला है। इन्होंने उसको इजीली टारगेट किया, उससे दोस्ती बढ़ाई, जान पहचान बढ़ाई, और उसे तेरा तुझे नया मोबाइल खरीद के देंगे इस तरीके का उसको बहलाया फुसलाया। बच्चा भी थोड़ा उनके बातों में आ गया और नया मोबाइल उसे मिलेगा इस बातों में उसकी भी उसके साथ अच्छी पहचान होगी। जबकि आरोपियों का पहले से ऐसा प्लान था कि इसका जो सिम कार्ड है उन्होंने उसे कहा भी था कि तुझे नया मोबाइल देंगे लेकिन सिम कार्ड हमारे पास नहीं है, तो सिम कार्ड लेके आ। तो इसने घर पे जो पड़ा हुआ था सिम कार्ड वो लेके आया और नया मोबाइल मिलेगा अपने को, इसलिए वो बच्चा भी उनके साथ घूमते रहा। सर किडनैप करके एक्चुअली लेके कहाँ जाने वाला थे, क्योंकि बॉडी तो नायगांव में मिली है, कहाँ रखने वाले थे वो लोग? ऐसा है कि किडनैप करने के बाद जो हमको आरोपियों से फिलहाल प्राइमरी से पता चला है उनके पास रखने की कोई जगह नहीं थी, तो इसको रखेंगे कहाँ उनके पास वो भी क्वेश्चन था। और सेकेंडली अगर बच्चा कुछ छोड़ देते हैं तो ये अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा, जिसकी वजह से पुलिस उनके तक पहुंच जाएगी, उनको अरेस्ट हो जाएगी। उनका ऐसा चाहना था कि उनको फिरौती की रकम भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले कि किसने किडनैप किया है, इसीलिए उन्होंने उसकी पहले हत्या कर दी उसके बाद फिरौती की रकम मांगी। कुल मिलाकर के बड़े घर का बच्चा और पैसा दिया जाता खर्च करने के लिए ज़्यादा, कहीं ना कहीं ये भी बच्चों की आदतों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए ख़राब होता है। कुल मिलाकर के अच्छे घर का रसूखदार बच्चा देखने के बाद इन लोगों ने 35 लाख की फिरौती मांगी थी, और वो भी हत्या करने के बाद। एक को गैरेज डालना था तो दूसरे को सैलून डालना था। इस संदर्भ में जब हमने डीसीपी अमित काले से पूछा कि क्या ये दोनों लोग नशेड़ी थे या उन्हें नशा करने की कोई आदत थी, तो उन्होंने बताया कि उसमें से एक व्यक्ति ने तो कभी नशा किया ही नहीं है, वो कभी नशा नहीं करता था, उसे सिर्फ खाने पीने का शौक था। वहीं पर बुरी संगत का असर भी बताया कि इस तरीके की घटनाओं के लिए कहीं कहीं कभी कभी बुरी संगत का असर भी होता है। माँ बाप को भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के जो हत्या मीरा भाईंदर में हुई उसको ड्रग का जो एंगल दिया जा रहा था वो बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। टोटल फिरौती को लेकर ही की गई एक रची हुई साजिश थी, उसे बहला फुसला कर मोबाइल देने के लिए ले जाया गया और नायगांव के ब्रिज के पास ब्रिज पे से उसे नीचे फेंक दिया गया। फेंकने के बाद वो जिंदा बचा तो उसे नीचे उतर के फिर जान से मारा गया, चाकू का भी इस्तेमाल हुआ था। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।